नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वागत है। मैं श्री कुमार साहू और आप देख रहे हैं माय नॉलेज फॉर यू। दोस्तों, इस सत्र 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल में एंट्री शुरू हो गया है। पिछली वीडियो में हमने इसकी पूरी जानकारी लिया थ्रेड टू जेड, किस प्रकार से आपको फिल करनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे नवीन विद्यार्थी की एंट्री कैसे करनी है। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और इस प्रकार की जानकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम आशीष स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट, इसमें आएंगे। यहाँ पर आपको यूजर लॉगिन दिया है, इसमें आपको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आता है। यदि यहाँ पर कोई खाता सुधार के लिए कोई लंबित विद्यार्थी जानकारी यहाँ पर आएगी, नहीं तो यहाँ पर कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो राइट साइड में ये जो दिया है, तीन लकीरी है मेनू, मेनू में क्लिक करेंगे, पंजीयन 2023-24 जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिखाया आपको नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करें फॉर्मेट ए, अर्थात ऐसी विद्यार्थी जिसको पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, पहली बार उसका पोर्टल में एंट्री हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर नवीन विद्यार्थी का पंजीयन इसमें वो क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले ध्यान देंगे ये जो ऊपर के तीनों काम हैं आप कर लेंगे। ठीक है, प्राथमिक शाला में यहाँ लागू नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको पिछले वर्ष छात्रवृत्ति मिलती थी और इस वर्ष आपके शाला में आई है, तो उसको आप यहाँ पर इसके माध्यम से एंट्री करेंगे। ठीक है, जो छठवीं चलेगा या फिर नवीं चलेगा विद्यार्थियों के यहाँ से निरस्त करेंगे। पूरी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहाँ से आप दे सकते हैं। अब यह जो महत्वपूर्ण है, कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्टि करना है। ठीक है दोस्तों, इसको तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, सातवीं, आठवीं सभी क्लास का आपको कक्षा वाइज अलग अलग प्रविष्टि करनी है इसको, तभी आपका नवीन पंजीयन हो पाएगा। ठीक है, अब तीसरी में जैसे नवीन विद्यार्थी आए हैं तो जितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलनी है उसका आप गोशवारा बना लेंगे और उसकी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार छठी वाले भी, छठी में जितने विद्यार्थी आपके यहाँ आ रहे हैं उसे गोशवारा बना लेंगे, ST ST OBC नॉन हॉस्टलर और उस प्रविष्टि कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नवीन विद्यार्थी पंजीयन करें में क्लिक करेंगे, तभी आपका नवीन पंजीयन हो पाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें पंजीयन करने से क्लिक करेंगे। अब आपको नवीन पंजीयन करने के लिए इस प्रकार से फॉर्म जानकारी जो है दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पूरा फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया है वर्तमान कक्षा, किस कक्षा में इसको पंजीयन कर रहे हो, प्रवेश क्रमांक डालना है यहाँ पर। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर दिया है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर डालना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम, ये ऑप्शनल है, इसमें स्टार नहीं लगा है। यदि आपका उसका कार्ड है तो आप देख के उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जाति वर्ग ST ST OBC जो भी, इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जानकारी इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पर लिंक है, जन्म दिनांक है, ये फिल करेंगे। मोबाइल नंबर डालना आपको अनिवार्य है, यही इसमें ही आपको सूचना दिया जाएगा। उसके यहाँ पर दिया है छात्रवृत्ति, तो बैंक संबंधी जानकारी है, बैंक का नाम, शाखा का नाम, बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड। और उसके बाद यहाँ पर क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, यदि है तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। जैसे नो करोगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यदि नहीं तो खाता धारक का नाम यहाँ पर किसके नाम से, माता या पिता, यहाँ से हमको उसको चुन लेते हैं, माता पिता जिसके नाम से है या अभिभावक के नाम से, इसको आपको चयन कर लेना है। क्या अभिभावक के पास 10 एकड़ से अधिक ज़मीन है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी से आधार नंबर दर्ज करने की सहमति ले लिया गया है, इसमें आपको चेक करना होगा। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह सारी जानकारी भरने के बाद एक बार मिलान कर लेंगे सही या नहीं है, जब हो जाएगा तो यहाँ पर आप उसको सेव कर लेंगे और इस प्रकार से नई विद्यार्थी की, नवीन विद्यार्थी की एंट्री हो जाएगी, जिसको आप आसानी से मोबाइल में कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि आप जानकारी भर रहे हो नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए में हमने फिल किया और हमारी जानकारी भरते वक्त यदि मोबाइल नंबर है, खाता नंबर है, नाम में इसमें कोई मिस्टेक हो गया, किसी प्रकार की जानकारी भरने में त्रुटि हो गई है, उसको यदि आप सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे इस वाले ऑप्शन में जाकर के आपको संबंधित विद्यार्थी के यहाँ पर नाम चयन करेंगे और यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे सारा चीज़ फिर से आप उसको एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है नई विद्यार्थी की एंट्री आसानी से कर सकते हैं।